कई बार ऐसा यह भी होता है कि गाय भी ठीक है, यानी सराव ठीक है, सही वक्त पर आप करा भी रहे हैं, फिर भी नहीं रुकती है, तो फिर दो बातों पर हमें ध्यान देना होता है। पहली बात कि जो व्यक्ति कृत्रिम गर्भाधान का काम कर रहा है वो क्या कुशल है या नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। हमेशा एक कुशल कृत्रिम गर्भाधान कर्मी से ही गर्भाधान कराएं। और दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कि वीर्य की गुणवत्ता क्या है। जिस शुक्राणुओं से कृत्रिम गर्भाधान होना है वो वास्तव में गुणकारी है या नहीं, यह भी ध्यान देना होता है। तो हमें यह ध्यान देना है कि जहाँ से भी जिससे भी हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं वह वीर्य किस जगह से खरीद करके लाया गया है, उसका सोर्स क्या है, तो ये ज़रूर उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि उस वीर्य की गुणवत्ता क्या है। और जब कृत्रिम गर्भाधान हो जाता है सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रजननहीनता की समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं दुरुस्त है, लेकिन फिर भी जानवर गर्भित नहीं होता है, गाभिन नहीं होता है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ उसके शरीर में कुछ हार्मोन्स का असंतुलन है, जो प्रजनन संबंधित विभिन्न हार्मोन है उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। और प्रायः यह देखा जाता है कि एक हार्मोन जिसको हम LH हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसकी कमी से जनरली ये समस्या होती है। ऐसे स्थिति में हम इस हार्मोन के इंजेक्शन कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद में लगाते हैं, परंतु यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी हम किसी भी तरह के हार्मोन के इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, कुशल पशु चिकित्सक के नेतृत्व में ही किया जाता है। अपने आप इस तरह के किसी भी तरह के हार्मोन के इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सब चीज़ों को अगर समाकलन करके और उपचार के लिए आगे बढ़ें, और ये प्रजननहीनता जो एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पे हम अधिक से अधिक हल पा सकते हैं, इसका समाधान कर सकें।